बहुत खुशी हो रही है कि बिहार सरकार ने हम लोगों को नौकरी तो दी कम से कम। जो हम लोगों ने मेहनत किया था उसका आज फल मिलने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये उम्मीद से बढ़कर सरकार ने किया है। ठंड है बहुत, लेकिन उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है। जोश इज सो हाई। जॉब लगने की खुशी किसको नहीं होती है। ऐसे ही काम करते रहें, शिक्षक की नियुक्ति करते रहें, देश बढ़ेगा, बिहार बढ़े। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो द्वितीय चरण में आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है और आज भी लाखों शिक्षकों को बिहार सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र मिलेगा और बड़ा तोहफा बिहार सरकार की तरफ से शिक्षकों को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों की सिक्योरिटी की जांच की जा रही है, पेपर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद इन्हें अंदर जो है वो एंट्री मिलेगी। ऐसे में इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, कितनी खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। कहाँ से आई हैं मैम? यूपी से। यूपी से आई हैं जी। अच्छा, तो कभी लगा था कि उत्तर प्रदेश से बिहार में आकर के नौकरी मिलेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। फर्स्ट टाइम मैंने तो TR-1 वाला डाला भी नहीं था, क्योंकि ये था कि यहाँ शायद नहीं आएंगे, लेकिन हाँ डाला और हो गया। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई है मैम? यूपी से। यूपी से ही आई है जी, वाराणसी जी। क्या नाम है? अलका सिंह। अच्छा, ठीक है। तो आज नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है कि बिहार सरकार ने हम लोगों को नौकरी तो दी कम से कम। वैकेंसी प्रदेश में नहीं मिली अभी तो, वैकेंसी फिलहाल तो नहीं है, आएगी लेकिन जहाँ आ रही है वहाँ तो हम लोग निकल जाए। बड़ा तोहफा बिहार सरकार। बहुत इंतजार भी था कि कहीं मिल जाए, पर मिल गई। तो आज मिल रहा है जी। चलिए, काफ़ी ज़्यादा खुश लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि लोगों की एंट्री यहाँ पर चल रही है और ऐसे में लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा हिसार से आए हैं जी। हरियाणा से आए हैं। लगा था बिहार में आके नौकरी मिलेगी आप लोगों को? नौकरी जब फॉर्म अप्लाई किया तो काफ़ी संख्या में सीटें थी और हमारे सब्जेक्ट की लगभग 3,400 सीटें थी, जिसके अंदर काफ़ी कैंडिडेट ही नहीं मिले कि मतलब हमारा सिलेक्शन तो श्योर था, हम तो टॉप रैंकर हैं जी। तो लगा था कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिली, बिहार में नौकरी मिली, ऐसा कभी सोचा था? एक्चुअली क्या है कि हरियाणा में वैकेंसी बहुत नंबर ऑफ सिस्टम में बहुत ही कम आती है और यहाँ पे पूरे ब्लॉक में वैकेंसी थी, तो हमारा रिजल्ट होने में कोई परेशानी नहीं हुई हमें। काफ़ी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। ये तो बिहार गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। एक शिक्षक ऐसा प्रोफेशन हो, वो यूपी हो या बिहार हो, कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता तो वो कहीं के बच्चे हो, उसको डज नॉट मैटर करता है। अभी हरियाणा से आए? हाँ, हरियाणा से। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। और भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि बाहर बाहर से, अभी तक जितने लोगों से हमने बात की, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ हरियाणा से हैं और बिहार के लोग भी हैं। ऐसे में और लोगों से भी बात करेंगे। अभी हम, मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पर पहुँचा है नियुक्ति पत्र लेने के लिए। जी हाँ, बता दें कि आज दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिहार से या फिर बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इन लोगों की भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज बिहार सरकार की तरफ से इन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा और महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में हैं, खुशी इनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है और साफ तौर से देख सकते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई। कहाँ से आई है मैम? मैं गोपालगंज से आई हूँ। गोपालगंज से आई, कितनी खुशी हो रही है आज नियुक्ति पत्र? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। आप कहाँ से आई? मैं शेखपुरा जिला से आई हूँ, ऐसे भागलपुर जिला से। हमें नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और क्या बता सकते हैं, खुशी में तो आज। कहाँ से आई है मैम? मैं शेखपुरा से आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इतने दिनों जो हम लोगों ने मेहनत किया था उसका आज फल मिलने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। लगा था बिहार सरकार की तरफ से इतना बड़ा तोहफा? बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद से बढ़कर सरकार ने किया है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। मैं यूपी से हूँ और आज मुझे यहाँ गांधी मैदान में आकर नियुक्ति पत्र लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। माननीय मतलब नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा उपहार दिया है हम लोगों के लिए। लगा था उत्तर प्रदेश से बिहार में आकर के नौकरी मिले? हाँ मैम, ने ऐसा नहीं लगा था, लेकिन आज वो सब पॉसिबल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री। जो योगी सरकार नहीं कर पाया वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कर रहे हैं। कहाँ से आई है मैम? बिहार से ही हूँ। बिहार से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट जी। शेखपुरा मेरा वो हुआ है।
कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, काफी खुश है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? बिहार जिले से हूँ, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। शेखपुरा से है, कितनी खुश है आप? हाँ बहुत खुश है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। यस यस, कितनी खुश है मैम? तो दिख ही रहा है ठंड है बहुत, ठंड है बहुत, लेकिन उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है, जोश काफी ज्यादा है। जोश इज सो हाई, हाउ इज द जोश? जोश इज हाई। यस, आज कितनी खुशी हो? मैम बहुत खुश हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और गवर्नमेंट जॉब लगी है तो बिहार आए हैं, और नीतीश सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ठीक है, और भी आप लोग देख सकते हैं सबके चेहरे पर खुशी काफी ज्यादा है। कहाँ से आई है मैम? काफी खुश नजर आ रही है। शेखपुरा से। शेखपुरा से आई? हम लोग पटना जिला के ही हैं मैम, पटना जिला जी। काफी खुश लग रहे हैं आप? यस मैम, ऑफ कोर्स, नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जॉब लगने की खुशी किसी को किसको नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगी सीएम नीतीश के लिए और तेजस्वी यादव के लिए? ऐसे ही काम करते रहें, शिक्षक की नियुक्ति करते रहें, देश बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा और शिक्षकों की जो महत्ता है वो वापस आएगी। कितनी खुश है मैम? बहुत ज़्यादा खुश है शेखपुरा जिला से है। खुशी का कारण है कि हम लोग को जॉब मिल चुकी है, आगे जीवन हम लोग का सफल होते चलेगा। चलिए, कितनी खुश है आप? बहुत खुश है। कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद से आई हैं? चलिए, कहाँ से आई हैं? मैं पूर्णिया से आई हूँ। पूर्णिया से आई हूँ। हाँ, बहुत खुश हूँ। नियुक्ति पत्र आज मिल रहा है? मिल गया। मिल गया है, काफी ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और भी देख सकते हैं कि भीड़ पूरी, हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। आप देख सकते हैं जहां नजरें जा रही हैं वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, और ये लोग कोई आम लोग नहीं है, ये लोग वो लोग हैं जो कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे, यानी कि शिक्षक ये लोग हैं, और आज इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, और ऐसे में खुशी साफ जाहिर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि एक एक कर ये लोग अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कितनी खुशी हो रही है मैम? कहाँ से आई हैं? हम बिहार आरा से। बिहार आरा से आई हैं। मैं बिहार की हूँ, शेखपुरा जिला। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। नीतीश कुमार जी को बहुत बधाई। अब बच्चों को पढ़ाएंगे? यस मैम। चलिए ठीक है, तो बात कर रहे थे लोगों से, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के चेहरे पर खुशी कितनी है। कोई बिहार से ही है, कोई बिहार के बाहर अन्य राज्यों से आया है, और काफ़ी ज़्यादा लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।